तो so, एक दिन एक आंटी है जिसके साथ मैं बैटमिंटन खेलता था हम लोग बैटमिंटन खेलते थे रेगुलर बेसिस पे सो so, उनको काफी साल हो गया है इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड सो टोल्ड मी नाउ यू आर गोइंग एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड सो आई हैव वन टिप फॉर यू गेट रेडी टू अनलर्न। एंड आई वॉज लाइक वट ऑल दीज ऑफ स्कूलिंग एंड कॉलेज पीपल हैव बीन हैमरिंग मी विद दिस लाइन दैट कीप लर्निंग कॉन्सटेंटली लर्न एंड दिस लेडी कम्स एंड टेल्स मी दैट यू हैव टू अनलर्न थिंग्स मैं बिल्कुल नहीं समझा वो टाइम पे फिर लाइक like, काम लाइक आई स्टार्टेड डूइंग माई वर्क मैं एक कंपनी में गया दैन आई स्विच फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी बीच में बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ है काम कर रहा हूँ अब मेरे को समझ में आ रहा है आई वॉट एक्चुअली शी मेंट वैन शी सेट गेट रेडी टू अनलर्न रिसेंटली आई सॉ दिस वीडियो वेर अ गाय वॉज शॉकिंग अबाउट अ स्टोरी ठीक है

तो जैन मास्टर कुछ नहीं करता है वो क्या करता है uh, एक कप लेता है एंड ही स्टार्ट स्पोरिंग टी कुछ बोल नहीं रहा है सिर्फ चाय डाल रहा है और वो डालते hmm. डालते डालते भर जाता है कप एंड इट स्टार्टेड स्पिलिंग वो देख के द लर्नर दैट गाय आके बोलते हैं कि अरे मास्टर हो गिरा रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो दैट टाइम ही स्टॉप्स zen मास्टर स्टॉप्स एंड स्माइल्स एंड टेल्स जस्ट लाइक दिस कप ऑफ टी तुम इसमें चीजें डालते जा रहे हो वो भर रहा है। hmm. और सिंस इट इज आर पोरिंग इट स्पिलिंग राइट सो मुझे तुझे सिखाने के लिए, तुमने अपना डाला okay. है तो जगह ही किधर मेरे को सिखाने की तुमको ah, जगह किधर है, राइट सो दिस इज बेसिकली सो इट्स बेसिकली यू नो एम्प्टीइंग योर कप

कैसा होता है की वेन यू स्टार्ट लर्निंग्राफी सो देर आर सो मेनी बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ अमेरा वर्क हाउ अब्जेक्ट वर्क कैमरा कौन से एंगल में अच्छा लिखेगा की जो स्टार्टिंग में है ना तुम तो पता है कैसा होता है जैसा इंस्टाग्राम पे तुमने देखा होगा की नया नया फोटोग्राफर होता है ना वो एकदम कोई भी चीज का मैक्रो फोटो खींचता है एंड ही इज वेरी प्राउड ऑफ इट कि अरे मैंने तो मतलब ऐसा फोटो खींचा इसमें सब कुछ बहुत ज्यादा क्लियर दिख रहा है या उसने कोई ऐसा सनसेट का फोटो खींच लिया होगा जो एकदम परफेक्टली ऑल द द द मैच यू नो एकदम्पलिशमेंट की हाँ तू डन समथिंग डिफरेंट नॉट फोटोग्राफी लेवल बट बेटर थिंग इज की वेन यू ग्रेजुअली

Right. And you know, to, to learn from your basics and then make, make your photo extraordinary. Mm. So, this is where I understood the meaning of unlearning. Ki how much I needed to unlearn the things that social media, the new uh, generation of photography, the, uh, the popular culture that we follow has, uh, you know, that it's a kind of uh, influence on me.

Uh, ये hmm. uh, हमारी एक आदत हो जाती है ना दैट हम लोग hmm. को कुछ बोला गया है वी हैव सम गाइडलाइंस सम स्ट्रक्चर दैट वी विल हैव टू फॉलो तो समेट है घोड़े का रेस होता है ना राइट right, तो घोड़े को ना ब्लाइंडर्स लगाते हैं okay. ब्लाइंडर्स क्यों लगाते हैं बिकॉज जो नेचुरल natural, जो नेचुरली जो घोड़े का आंख है वो थोड़ा से करेक्ट तो अगर ब्लाइंडर्स लगा दिया सो वट यू सी इज द ट्रैक द रेस ट्रैक एंड द गोल तुमको वहां पर hmm. भागना है बट इन लाइफ वॉटो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू चेज अ गोल इट समेर रिस्ट्रिक्ट ब्रेन एंड मेक्स यूट इज द्लेक्सिबिलिटी इट मेक्स यूबल इट मेक्स यू रिजिट इन अब्लम तो नोटिस करेगा तो जनरेशन वाइज हो जाता है वाई दीपल हुई फाइंड इट डिफिकल्ट ज ऑल दीज ईयर्स वो लोगों ने कुछ चीजें सीखी है और वो सीख के उसी चीज को सीखा रिवाइज किया फिर सीखा फिर रिवाइज किया करके एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज पे पहुंचे हैं एक्सपर्टीज इन लिविंग दिस वर्ल्ड उस पर वो लोग पहुंचे अचानक से आप उनको नया चीज ला के दो कि नहीं नहीं अभी से तो दुनिया ऐसी चलेगी आपने जो सोचा है इट्स इरेलीवेंट राइट नाउ आपने एनालॉग yeah. वर्ल्ड देखा है आपने देखा है कि ओ वायर टेक्नोलॉजी मुझे लिफ्ट करना पड़ेगा uh. बट अब मैं आपको बोल रहा हूँ नहीं फोन डायरेक्ट ले लो इट्स वायरलेस पीस ऑफ टेक्नोलॉजी उसको यूज करो सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ नॉट अर्न लर्निंग बेस्ट एग्जाम्पल आई वु

तो नाउ कैसा कि डॉक्टर में कैसा होता है यू अफोर्ड दिस यू नो क्योंकि वो उसका सिग्निफिकेंस है hmm. कि हर एक चीज से यू हैव टू गो बैक टू द फर्स्ट बुक टू अंडरस्टैंड सकेंड मीन की जस्ट बिकॉज यू कैन यू यू वर्क फॉर कैंसर

Hmm. जो डॉक्टर डॉक्टर बनने के टाइम उसने यूज की थी एंड दोज बुक्स आर सो गॉड डैम ओल्ड और वो इंसान भी मतलब इज 55 hmm. 60 इयर्स ओल्ड बट स्टिल ही हैज ऑल दोज बुक्स बिकॉज़ ही नोस दैट ही विल हैव टू कंटिन्यूसली लर्न अनलर्न उसका ऐसा नहीं है कि अभी मतलब कोविड hmm. चल रहा है तो मेरे को सिर्फ कोविड के बारे में मालूम होना चाहिए बाकी सब बीमारी क्या चल रही है हैव टू कंटिन्यूसली अनलर्न टू अंडरस्टैंड कि नहीं ये बीमारी भी है ये hmm. बीमारी ऐसे चलता है ये hmm. बीमारी का क्योर ये है सो इट्स वेरी वेल लाइक नो स्ट्रक्चर्ड या

ओके सो सेइंग इट ट्रेन्ज यू टू अन माइट नॉट बी हंड्रेड परसेंट ट्रू बट इट ट्रेन यू टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज तुम तुम पढ़ाई एकदम लेवल पे आते फर्स्ट यू अ प्ले स्कूल फिर तुम जाते हो नर्सरी में फिर जाते हो जूनियर mm -hmm. के में फिर जाते हो सीनियर के में तो यहाँ पे चार लेवल पे आ गया तो फॉर द सीनियर के जी किड उसके नीचे वाले जूनियर्स हैं नाउ दैट सीनियर के जी किड हैज एक्सपर्टीज इन द किंडर एजुकेशन सिस्टम Uh, right. उसमें वो टॉप में पहुंच गया नाउ ही कैन कॉल एन एक्सपर्ट ए बी सी डी ई एफ जी इन योर फेस तो वो ऐसा बोल हाँ. सकता है राइट right? फिर वो जाता है प्राइमरी में फर्स्ट स्टैंडर्ड एन इज लाइक ओ like, माय oh गॉड फर्स्ट स्टैंडर्ड में वापिस बैक टू जीरो मेरा कुछ ताका हाँ. नहीं है यहां पे आई एम द जूनियर मोस्ट पर्सन हियर क्योंकि सेकंड है थर्ड है फोर्थ है फोर्थ के बाद वो फिफ्थ में आता है आने के बाद उसको लगता है आई एम मेरे को ज़्यादा आता है आई एम प्राइमरी लेवल का मैं टॉप पोजीशन पे फिर हाँ. में आता है, में आ के वो को देखता है कि, यारे, मैं बन गया, फिर इंजीनियरिंग हाँ. like फिर मास्टर्स yeah. hmm. फिर, फिर, फिर ये फिर वो एवरीवेयर यू गो एवरी न्यू प्लेस यू गो एवरी न्यू थिंग यू स्टार्ट यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो बिकॉज द कॉन्टेक्स्ट चेंजेस कॉन्टेक्स्ट

देन उसने कुछ नया दिखा सो उसके लिए उसको क्या भूलना पड़ेगा ना ये सारी चीजें hmm. ये सारी चीजें भूलनी पड़ेगी जैसे मेरा पहले था कि तुम ब्लर फोटो नहीं ले सकते है भी एक आर्ट है ना एक तरीके yeah. से दिखता है वो एक तरीके से ब्यूटी अगर तुमने अच्छे से लिया सो so वो Correct. भी तुमको अनलर्न करना पड़ेगा कि दैट इज नॉट अ रूल ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही तुमको जिंदगी भर या सो वीनो तू जैसे कॉन्टेक्स के बारे में बात कर रहा था वीनो दी लिव इन वर्ल्ड इट है हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पुरानी चीजें है दिस इज हाउस वे बी फॉलो एंड यही चलता रहेगा सो so, वो उसमें क्या प्रॉब्लम है बेसिक्स नाव यू आर नॉट एबल टू अप्योर गेम

एंड दिस इज अंट कंपनी ठीक है वर्चस्व था एक बहुत इसका इंपॉर्टेंस <laughs> okay. था इन एटलीस्ट इन अमेरिका ब्लॉक बस्टर इंक ये कंपनी क्या करता है ये डीवीडीज बेचता है रेंटल सर्विस है लाइक यू कैन कम यूर रेंट और डीवीडी टेक इट एंड ब्रिंग इट बैक तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड यू आरविंग विध यू कैन मैं उतना तुमको चार्ज करूंगा और ये वो लेवल पे था एवरीवेडी एवरी अमेरिका इन दैट टाइम आई गेस सेवन नाइनटी वो टाइम पे क्या हुआ नेटफ्लिक्स इमर्ज नेटफ्लिक्स भी एक डीवीडी रेंटल बिजनेस था उसका बट दे रियलाइज समिच ब्लॉक बस् डिड नॉट दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज द इंटरनेट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रीमिंग एंड दे थॉट एंड द फर्स्ट मॉडल दैट दे क्रिएटेड वॉज अ मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर एग्जाम्पल यू पे मी मंथली का इतना अमाउंट And इस एक महीने में तुमने पैसा किया ना कितने भी डीवीडी आके लेके जाओ देखो सो so ये उनका था एंड ब्लॉक बस इतना जल्दी नहीं किया बिल्कुल नहीं ये हमारा एक हम लोग फॉलो करेंगे फिर इंटरनेट आया ऑन देर उन्होंने स्ट्रीमिंग चालू किया यू सब्सक्रिप्शन मॉडल एंड इंटरनेट पर अपने घर पे बैठ के ब्राउजर पे स्ट्रीम करके देखो समथिंग ब्लॉक बस्टर से इंटरनेट ऑफ थी इट्स और वो लोग ने अपना ही लर्निंग को आगे बढ़ाया

उसने पूरा डिस्कार्ड करके नाउ इट्स कंप्लीटली अ ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हम्म या दैट्स सच अ ग्रेट वे ना हां कितना कुछ सीखने जैसा है कि यू नो व्हाट वी ऑलवेज से यू नो माय फेवरेट कोट द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट तो वो एक बात है yeah. और uh, हाँ मतलब कितना इट्स इट्स सो एविडेंट इन द बिजनेस एंड यू नो आर्ट वर्ल्ड दैट अनलर्निंग का इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है ना, not, uh, या दोस्तों के साथ बात करते हैं वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड यू नो गेनिंग लाइक एपिटमी ऑफ नॉलेज होना चाहिए अपने को हर एक चीज में बट दैट डेव टू बी ट्रू इफ यू नो देजू बी

So I had to go back and learn, understand exactly what kind of uh, photography and what kind of studies goes uh, mm -hmm. behind, uh, you know, behind for professional photographers. So yeah, that's that's one thing. Yeah, because uh, in like work life, if you have to give an example, if you work in an MNC, mm -hmm. okay, you have worked two three years in an MNC and you find that now I'm an expert, I know everything domain, about yeah. what has yeah in my mm -hmm. domain, I know things.

रोल्स आर वेरी फ्लैक्सिबल यू डोंट नो ये टाइम पे अगर तुमने बोला कि नहीं ये चीज गलत है ऐसा नहीं करने का तुमको वैसे ही बनाना पड़ेगा वैसे ही बनाना पड़ेगा तो यूरिंग पिछला माइंड सेट रख अपना पिछला कॉन्टेक्ट रख के आयो तुम वही आगे बढ़ाने का ट्राई कर रहे हो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज पीपल दैट दिस प्लेस दिस ऑफिस दिस वर्क हैज अ डिफरेंट कॉन्टेक्ट ऑल टूगेदर और मैं

स्कूल में एक्चुअली सिखाना चाहिए डी इंपॉर्टेंस ऑफ अनलर्निंग, बिकॉज़ यू नो यू विल नेवर इवन सी अलॉट ऑफ पीपल टॉकिंग अबाउट अनलर्निंग की क्यों इंपॉर्टेंट है, बट इट्स इट्स ऑलवेज़ अ रेस, नो वी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इस अ रेस एंड यू डोंट हैव है ना यू 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 आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि तू अनलर्न कर रहा था ये सब कर रहा था तब तक वो बंदा एसएमएस करके आ गया एसएमएस <laughs> करके आ गया हां बिकॉज़ हम लोग ऑल्दो उसके पास भी जॉब नहीं है बट स्टिल एसएमएस बिकॉज़ हम लोग ने भी वो ब्लाइंडर्स लगाया ना घोड़े जैसे लगाते हम लोगों ने ब्लाइंडर्स लगाया है वो लग गया है थ्रू आउट और टाइम नहीं है जैसे कि तूने बहुत थोड़ा समझने में टाइम लगा बट एक्चुअली लगाइनेस लगा दी पे अनलर्न थिंग्स मैं एस करके आऊंगा मैं डॉलर्स में कमा रहा हूँ सो की कपल ऑफ ये कपल ऑफ मंथ्स बैक में भी यही आइडियोलॉजी सोचता हूँ बट वेन वी आंटी ने कहा था मुझे ना उनको प, मालूम है कि कभी तक, कोई भी टाइप का माइल फंक्शनल कंप्यूटर करे तो फर्स्ट थिंग यू डू इज लाल, लाल हाँ. <laughs> रिसेट करो वाई कंप्यूटर इज अनर्निंग ऑल द एप्लीकेशन दट इज ओपन बंद हो गया वो फिर से रीस्टार्ट हुआ और जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता <laughs> एक टाइम था जब सी सी प्लस 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 ही सीखना है <laughs> वो करके फ्यूचर बनेगा कब वो इिवेंट होके जावा डोमिनेंस में आ गया

पीपल लीड एफिशिय हमको चाहिए एक घंटे में चार टिकट क्लोज ओके सो वी डों केयर अबाउट योर क्वालिटी ऑफ वर्क और योर न्यू परसपेक्टिव टूवर्ड सॉल्विंग दोंग्स इन अगल वे नो देर इज वन प्रोसेस दीड्स टू बी फॉलोड एंड यू कैनोट ब्लेम एनी वन ऑफकोर्स यू कैनोट ब्लेम बट और वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ किया है

While we are talking about this, you are emptying your cup a bit. And <laughs> it's almost empty, buddy. <laughs> it's almost empty, so you are ready to learn new things. Yeah, I'm gonna have chai now. <laughs> Making space for chai. Uh, yeah, so I think that is it uh, about today's uh, episode, uh, Hannah Abhishek. Ki yeah, yeah, we... Like we celebrate the power of our minds every time, right? So this time, let's celebrate the power of our minds. With learning something. So, so guys, uh, thank you so much for watching. Yeah. So you guys know the drill. Like this video, share with your friends, comment on your thoughts, and subscribe to MindFest. <laughs> <laughs>